कि सामने वाला पाड़ा भी कमजोर है। एक तरफ पप्पू है, एक तरफ गप्पू है। एक अपने जमाने में पहले प्रधान जी बैठे राम अवतार जी, ये मेरे से थोड़े से उम्र में बड़े, रामनिवास जी भी बड़े हैं। पहले एक रेडियो चलता था, ये रेडियो गप्पिस्तान है, ये रेडियो गप्पिस्तान है, फलाना जी अब गप गजट चालू, तो गप गजट अब देश की तरफ से चल रहा है। वो गप गजट ऐसा चल रहा है, ऐसी बात करना और मीडिया के अंदर वही बात छपना, उसी बात को दिखाना। क्योंकि आपको पता है अगर कोई मीडिया उनके खिलाफ छापता है तो ईडी छापा पटक देती है, उनके विज्ञापन बंद हो जाते हैं, तो मीडिया भी कितनी लड़ाई लड़ेगा बताओ मुझे। हालात देखे देश के, प्रदेश के, और उन किसान नेताओं को जो सड़कों पे लड़े नहीं, पौने पांच साल बाद उनके अंदर अचानक से किसान जागृत हुआ, वो बोले कि हम इस कांग्रेस पार्टी को त्यागते हैं और मोदी जी के शरणम गच्छा में होते हैं। और शरणम गच्छा में क्यों हो रहे भाई, बोले हनुमान जी की वजह से हो रहे हैं। तो हनुमान जी के कांग्रेस के साथ है क्या, ये तो हनुमान जी है जिन्होंने गहलोत के बेटे को हरा के तमाम किसान कौम की राजनीति का बदला ले लिया। तो गहलोत के वोट मांग रहे थे कई लोगों, तो अपने हाथों से गहलोत के बेटे को खाना खिलाते हुए मैंने देखा, ऐसे कुआ देते हुए देखा मैंने। मेरे पर लांछन मत लगाओ, तुम कमजोर हो, लड़ नहीं सकते, चार घंटे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, पता लगे फिर कांग्रेस में रह रहे हैं, फाइल आ गई इधर आ गए, फाइल आ गई वो चले गए, तो एक चीज तो तय करो हो कहां पे, अभी तो यही पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले पहले कोई पार्टियां और बदला बदली नहीं हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकती है, पता नहीं चल रहा। हाँ मेरा पता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए लड़ाई लड़ूंगा। और इतिहास ये कहेगा, एक लड़का था राजस्थान के अंदर जिसने भीख नहीं मांगी कटोरा लेके, लड़ाई लड़ी, मोदी की ईडी सीबीआई से नहीं डरा, गहलोत की एसीबी सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच से नहीं डरा, वो अपने भाइयों के लिए लड़ता रहा, वो भाइयों को साथ लेके चला, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके चला, और अपने समाज के छोटे भाइयों को यही संदेश दिया कि कभी के किसी के हित को मारना नहीं है, किसी हित के हित पे कुठाराघात नहीं करना है, किसी को तंग परेशान नहीं करना है, हमें नेतृत्व अगर करना है तो रखवाले बनके और रक्षक बनके लोगों की सेवा करनी है। बात अगर किसी ने कही, नागौर के सांसद ने कही, और भाइयों इसलिए जो हरा झंडा आप देख रहे हो, ये आपको दिया, बोतल का चुनाव चिन्ह, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। और ये तय है कि इस बार आप लोग अगर बेकाब में नहीं आए कांग्रेस बीजेपी के, देखो कांग्रेस के पास बहुत साधन है, पांच साल में कांग्रेस ने जो लूट मचाई राजस्थान के अंदर, 12-13 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा विधायकों पे रोज नया नया मुकदमा दर्ज हो रहा है, किसी पे दर्ज हो रहा है, किसी पे दर्ज होते होते बच रहा है, कोई अर्जी थाने में पड़ी है, थाने से वापिस आ रही है, लेन देन की बातें चल रही, तो आप रोज पढ़ रहे हो, सुबह शाम देखते रहो आप। अभी चुनाव का समय, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कांग्रेस ने लूट खसोट करी, भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, बीजेपी ने लूट खसोट करी, कांग्रेस चुप थी। एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन दूंगा। कैसे दूंगा? उसके लिए मुझे एमएलए चाहिए। एमएलए कौन देगा? आप दोगे, मेहरता तो वापस दे दोगे ना आरएलपी को। तो इंदिरा जी आज ज्यादा भावुक हो गए, भावुक हो गए। तो आज ऐसा होता है कि चुनाव के समय या कोई अच्छा मौका आता है तो कहीं कहीं अपने लोगों के बीच जब नेता आता है उसको याद आती है, पांच साल में मेड़ता के अंदर विकास हुआ, जितना नागौर के अंदर, खींचर और नागौर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का पैसा आया,